साथियों नमस्कार, मैं हूं मिठाईलाल। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई तहसील अंतर्गत यह ग्राम पंचायत पोखरी टोला है। ग्राम पंचायत पोखरी टोला का यह ट्रांसफार्मर जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यह ट्रांसफार्मर लगभग कई दिनों से जला है, यानी खराब है। और इसके संबंध में हमारे साथ कुछ उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं से मैं जानकारी लेने का कोशिश करता हूँ कि कब से जला है और क्यों नहीं लग पा रहा। शुभ नाम जान सकता हूँ आपका? कमलेश साहू जी। बताएं कमलेश साहू जी, ये ट्रांसफार्मर के संबंध में क्या कहना रहेगा? संबंध में इसका यह है कि 27 जून को जला है जी, जिसमें से 3-4 तारीख को आए थे पैसा वसूलने जी, तो पैसा भी दे दिया गया। अच्छा। हाँ, बोला कि सुबह लग जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, चूँकि वहाँ से ट्रांसफार्मर आया तो उसके दूसरे साइड में लगा दिया गया, यहाँ वाला ट्रांसफार्मर। अच्छा जी। तो ये जो पैसा दिए हैं, ये कोई घूस है कि पेट जो बिल? ये बिल था। बिल था। हाँ, लाइनमैन बोल रहे थे कि बिल जमा होगा तभी ट्रांसफार्मर लगेगा, तो भाई हम लोग भी प्रयास करके कुछ बिल जमा कराएं। अच्छा। हाँ, साथ में घूम भाग के उनके जी। और जो नहीं है तो बाहर है, तो उनसे अब कैसे पैसा वसूला जाए जी। हाँ, बस उन्हीं लोगों का पैसा रह गया, बाकी पूरा जमा। अच्छा, तो विभागीय लाइनमैन के द्वारा क्या बोला गया? लाइन बोला गया ना कि लग जाएगा, पैसा पेड होगा, लग जाएगा। तो हम बताए ना, वसूला भी उनका पैसा, काफी लोग से वसूले जी। हाँ, जो नहीं गांव में है उनका पैसा 2-4 लोगों को बचा है, बाकी पूरा बिल पास है। अच्छा, मतलब बिल पूरा जमा? जी जी। अच्छा, बताएं ये कब ट्रांसफार्मर जला है? 27 जून को। विभागीय अधिकारी को जानकारी दिए हैं क्या? अच्छा, यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी है लाइन में जी, तो क्या आश्वासन मिला उनके तहत? बोले हैं कि लग जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो कितने उपभोक्ता हैं इस ट्रांसफार्मर में, कितने उपभोक्ता मतलब यूज करते हैं लाइट? 30-35 है। अच्छा, तो 30-35 में कितने आदमियों का बिल बाकी होगा, क्या यह बता सकते हैं? बहुत तो नहीं जानकारी, पर कुछ 10-5 का होगा करीब। अच्छा, जबकि लोग बाहर हैं। अच्छा, वो लोग आएंगे तभी जमा होगा। मतलब कि जिनका बिल पेड है वो बाहर। साथियों देख पा रहे हैं, ये तिलकधारी सिंह अच्छा इस विषय में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जिनका बिल बाकी है वो गांव में नहीं है, बाहर है। फिलहाल जब वो आएंगे तो बिल इनका जमा होगा। आइए और उपभोक्ताओं से जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। बताएं शुभ नाम अपना। शुभ नाम बताएं, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव जी। बताएं यादव जी, क्या समस्या है, मतलब कि क्यों नहीं लग पा रहा है इस विषय में? आप लोगों ने तमाम जानकारी भी दे चुका है। जानकारी तो दे हम लाइन मैन के, तो नहीं लग पा रहा। अच्छा, देखिए उपभोक्ता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो लाइनमैन हैं, जो विभागी हमारे लाइनमैन हैं, उनको ये तमाम जानकारी हमने दे दिया है, लेकिन अभी तक लग नहीं पा रहा है। पूरा ये बरसात का सीजन चल रहा है, किसी के घर में सांप बिच्छू घुस जाए और रात में लाइट ना होने कारण कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ क्या? रामलल्लू यादव जी। रामलल्लू यादव, बताएं ये ट्रांसफार्मर कब कब जला है? ये जून में 27 तारीख को जला है। 27 तारीख। अच्छा, इस विषय में क्या आप विभागीय अधिकारी को कुछ जानकारी दिए हैं? हाँ, जो मौजूद लाइनमैन है उसको जानकारी दिए हैं, वो फोटो लिया है। अच्छा, तो क्या बोले फिर? वो बोला कि ये जल चुका है। अच्छा, कब तक लगेगा इसके संबंध में नहीं बताया? बोले तो कि जब ये लग जाएगा, पर अभी नहीं लग पा रहा। जमा हो गया है कि कुछ बाकी? भाई बोल रहे थे कि कुछ का बाकी है, तो हम बोले कि भाई हम लोग जमा नहीं करवा पाएंगे, भाई आप अधिकारी हैं, आप लोग जमा करवाएंगे। अच्छा, चलिए। बोली हेलो जी, जनपद रामरति जी के पति क्या छोटेला लगरिया जी से बात हो रहा है? जी जी जी, मिठाई लाल बोल रहा हूँ, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। जी बोलिए। एक बोल रहा हूँ सर, ये जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोखरी टोला के पास जो ट्रांसफार्मर है जी, ये मतलब कि 27 जून को जला है जी,
और अभी तक नहीं लग पा रहा है सर, इसके संबंध में क्या कहना रहेगा या क्या प्रयास किया गया आप लोगों द्वारा? नहीं, इसके संबंध में देखिए, पहले डी कुमारा फोन, तब वो बोला कि ठीक है लग जाएगा, यही को बोला, कोई बोला कि मैं सर्वे करा के और भिजवा देता हूँ जी। इसके बाद यही से बात किया, बोला यही बोला कि रोज रोज दो रोज में लग जाएगा, चिंता मत करिए। जब वहाँ से ट्रांसफार्मर आया तब पर ही बोला गया उसे, वो बोला कि ये लगा दीजिए यहाँ पोखरी टोला स्कूल के पास जी। वो पता चला को झारा भंडसेरा चला गया है। अच्छा, जितने कर्मचारी हैं उनको सबको तो फोन मारा हूँ जी जी, अभी कल भी मारा हूँ उसे फोन, बोला कि ठीक है मैं मंगवा देता हूँ, और यहाँ ट्रांसफार्मर है नहीं जी, और रीवा गाड़ी गया, रीवा से आएगा तो लगवा दूंगा, यही तो बोल रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, आज तक अभी कोई पता नहीं चल रहा है जी जी। चलिए, आपके द्वारा कठिन प्रयास किया गया फिर भी नहीं लग पा रहा है ना? ना, प्रयास तो यहाँ से लेके जिला तक में किया भाई जी सर जी। ठीक सर, ये तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपको सर।